नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आज एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोमवार के दिन सुबह के समय कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी बाजार के अपडेट में शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर सोना 1799.45 डॉलर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो सिल्वर है वो 24.5 डॉलर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सोना चांदी के अंदर आज एक हल्की बढ़त देखने को मिली है। देख रहे हैं कि सोने एक बार फिर से 1800 डॉलर की ओर अग्रसर हो चला है और ऐसा हो सकता है कि इंटरडे के अंदर आज सोने की कीमतों में 1800 डॉलर के ऊपर का भी लेवल देखने को मिले। हो सकता है कि आज इंटरडे के अंदर सोने चांदी की जो कीमत है उनके अंदर एक बढ़त बनती हुई नजर आ सकती है। दरअसल कमजोर डॉलर के चलते सोने चांदी की कीमतों में ये बढ़त देखने को मिल सकती है। और दूसरा, जो जैसे कि अब भारत में दिवाली का सीजन आ गया है, दिवाली आने वाली है कुछ ही समय में, और दिवाली से पहले देखते हैं कि धनतेरस आता है जिसमें सोने चांदी की जो खरीद है लोग सबसे ज़्यादा वो करते हैं, मुहूर्त अच्छा रहता है उस दिन, सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। तो एक खरीदारी घरेलू त्योहारी मांग की वजह से भी निकल के सामने आ सकती है जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोना एक बार फिर से 1800 डॉलर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ही पॉइंट दूर है अब 1800 की दूरी से। आपको क्या लगता है अगर यहां से सोना आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 1800 डॉलर के ऊपर निकल जाता है तो क्या सोने चांदी में बढ़त की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पिछले लंबे अर्से से हम देख ही रहे हैं कि रेंज बाउंड के बाद अब सोना जो है वो धीरे धीरे करके स्टीडली ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 1800 डॉलर के बेहद करीब है। और आज मुझे लगता है कि सोने के अंदर अब आने वाले कुछ दिनों में तेजी का ही रुझान बना रह सकता है और 1800 डॉलर के लेवल जो है उसके ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 1820 से लेकर 1840 तक सोना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा तेजी पकड़ सकता है 1820 डॉलर के बाद। तो फिलहाल के लिए सोने और चांदी के अंदर तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें निचले स्तरों पर खरीदारी ही करनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि घरेलू बाजारों में 48,200 से लेकर 48,400 तक का ऊपरी स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी एक्सपेक्टेड है कि आज 66,000 के ऊपर जो चांदी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, 66,500 से लेकर 600 तक ऊपर जा सकती है। जी, ये सर रूपा जी देख रहे हैं कच्चा तेल भी WTI 84 डॉलर पर 1% की तेजी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बार फिर से 85 डॉलर के पार निकला है। आपको क्या लगता है क्या ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बार फिर से 86-87 डॉलर के लेवल दिखा पाएगा जैसे अब कुछ दिन पहले दिखाया था? देखिए, बिल्कुल अभी कॉपर में सॉरी क्रूड में अगर देखें तो तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है और सप्लाई अभी डिस्टर्ब है, इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। और WTI की बात करें तो ऊपर में मुझे लगता है कि 85 डॉलर के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने के बाद 88 डॉलर भी हो सकता है देखने को मिले। वहीं ब्रेंट की बात करें तो 90 डॉलर तक मुझे लगता है कि ब्रेंट ऊपर में जा सकता है। तो अभी फिलहाल काफी पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है, जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तब तक इसकी कीमतों में तेजी का ही रुझान बना रह सकता है। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि नवंबर वायदा 6500 तक ऊपर जा सकता है। जी, ये रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो देख रहे हैं बेस मेटल्स का बाजार आज भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बेस मेटल में भी अभी डिमांड फैक्टर जो है अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार तेजी की तरफ है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर अपने ऊपरी स्तरों से जरूर लुढ़का है लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट के अंदर रुझान जो है वो तेजी का ही बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में लगता है कि 780 तक कॉपर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 780 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो ऊपर में 800 तक के भी स्तर एक बार फिर से वापसी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम में भी आज अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल रहा है और 240 तक आज ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि जा सकता है। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल 1560 तक के लेवल इंट्राडे में हो सकता है कि आज देखने को मिले। 1.25% की तेजी अभी फिलहाल बाजारों के खुलते ही देखने को मिल रही है।
वहीं मैं जिंक की बात करूं तो जिंक में भी तेजी का रुझान है, 292 तक जिंक भी अपसाइड पकड़ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेस मेटल में अभी तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये अभी कंटिन्यूशन में रह सकता है, इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में लेकर चलना चाहिए। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे, देख रहे हैं कि नेचुरल गैस क्रूड सबकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए अखिलेश, आज नेचुरल गैस में भी अच्छा अपसाइड देखने को मिला है, 5% नेचुरल गैस भी तेज होती हुई दिखाई दी है, 428 पर आज कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से नेचुरल गैस भी 432 तक ऊपर जा सकती है। वहीं आज अगर इंट्राडे में हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर दो कमोडिटी ऐसी हैं जो आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है, उसी के साथ कच्चे तेल में भी तेजी बन सकती है, तो मुझे लगता है कि सोना चांदी और कच्चा तेल इन तीनों में ही खरीदारी करके चला जा सकता है। जी तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज इंट्राडे के अंदर सोना चांदी कच्चा तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट आर्म सीरीज पर।